हिमाचल प्रदेश के एकमात्र राजकीय महिला बहुतकनिकी संस्थान कंडाघाट वीरवार से पूर्ण रूप से खुल चुका है। प्रदेश के सभी संस्थान पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना के चलते लॉकडाउन का दंश झेल रहे थे। कंडाघाट का ये संस्थान खुलने से जहां छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, उसी प्रकार क्षेत्र के दुकानदार भी खुश नजर आए। संस्थान में कोविड नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा और उनका सिलेबस पूरा हो, इसके लिए सभी अध्यापक भी जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। संस्थान के प्रधानाचार्य दिनेश बिंद्रा ने बताया कि उनका संस्थान 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से खुलना आरंभ हो गया था। वीरवार को ये संस्थान पूरी तरह से खुल गया है। उन्होंने बताया कि छात्रों के प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं, वहीं हॉस्टल में 160 छात्राएं रह रही हैं। कोविड नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है। संस्थान में सभी 278 छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। इंस्टीट्यूट है 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे और 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से स्टूडेंट ने आना शुरू कर दिया था। 1 जुलाई को फैन के बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो आ गए थे, इन्होंने ज्वाइन किया था, और 8 जुलाई को सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया था, और आज 15 जुलाई को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। तो आजकल हमारे इंस्टीट्यूट में वो जो फाइनल प्रैक्टिकल चले हैं बच्चों के, और कुछ बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले आए हैं उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं, और अगस्त के फर्स्ट वीक में उनके एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के। और हॉस्टल में इस वक्त 160 स्टूडेंट के करीब आ गए, फुल कैपेसिटी में आ गए हैं, और इंस्टीट्यूट में भी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। 278 के करीब स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, और सभी कार्य ठीक रूप से चल रहा है। सभी जो कोविड-19 के नॉर्म्स हैं वो हम सारे हमें फॉलो कर रहे हैं, और सभी काम अच्छी तरह से चल रहा है।